फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स कैलकुलेटर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर टू फ्रॉम एक्सरसाइज 2.4। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। यहाँ कुछ फ्रैक्शन दिए हैं, उनके हमें रेसिप्रोकल फाइंड आउट करने हैं। कैसे? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। क्लासीफाई द रेसिप्रोकल एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर्स। अब जो रेसिप्रोकल हमें मिलेगा, हमें ये बताना है वो क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या होल नंबर है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है 3/7, तो ये क्या हो जाएगा, 7/3। क्यों? डिनोमिनेटर 7 क्या बन गया, न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर 3 डिनोमिनेटर बन गया। अब हमें बताना है ये कौन से टाइप का फ्रैक्शन है। तो देखिए, इसके लिए आपको पता होना चाहिए जो प्रॉपर इम्प्रॉपर है ये क्या होते हैं। प्रॉपर मतलब न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, जिसका कि हम मिक्स फ्रैक्शन नहीं बना सकते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, जो कि मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकता है। और होल नंबर तो आपको पता ही है, जहां सिर्फ न्यूमरेटर ऊपर वाला पार्ट है। तो अब यहां पे क्या है, कौन सा पार्ट बड़ा है, 7 बड़ा है, 7 क्या है, न्यूमरेटर है। तो दैट मीन्स ये क्या है, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 7/3 इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट है 5/8, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 8/5। उल्टा कर दिया, बस सिंपल है, रेसिप्रोकल बनाना कोई मुश्किल नहीं है। अब यहां पे क्या चीज बड़ी है, 8 बड़ा है, 8 क्या है, न्यूमरेटर है। दैट मीन्स ये भी क्या होगा, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा 8/5। अब नेक्स्ट है 9/7, 9/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 7/9। अब 7/9 में न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, दैट मीन्स ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका हम मिक्स फ्रैक्शन नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 6/5। अब 6/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 5/6। अब यहां न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये क्या बन गया, प्रॉपर फ्रैक्शन, नेक्स्ट 12/7। अब 12/7 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इंटरचेंज कर देंगे, 7/12। तो 7/12 में अब डिनोमिनेटर बड़ा हो गया न्यूमरेटर से, तो ये भी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। और ये पहले कौन सा था, 12/7 इम्प्रॉपर था। तो हमेशा जब भी हम रेसिप्रोकल करेंगे तो कोई प्रॉपर फ्रैक्शन होगा वो इम्प्रॉपर बन जाएगा और इम्प्रॉपर प्रॉपर बन जाएगा। बट इसमें थोड़ा सा चेंज है। अब ये 1/8 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 8/1। अब 8/1 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 8, और 8 क्या हो गया, होल नंबर, तो अब इसमें हमने क्या फाइंड आउट किया कि अगर किसी का न्यूमरेटर 1 है तो अगर हम उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो एक होल नंबर बन जाएगा। अब नेक्स्ट है 1/11। अब 1/11 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 11/1, और ये हो गया 11। सिमिलरली इसकी तरह यहां पे न्यूमरेटर 1 था तो डिनोमिनेटर 1 हो गया, और डिनोमिनेटर 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है तो नंबर बन गया होल नंबर। इसमें कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे जरूर क्लियर करिएगा, और अच्छा लगे तो भी कमेंट करके बताइएगा।